हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल संध्या एडवांस एजुकेशन। दिस इज जनरल नॉलेज ऑफ क्लास 8 एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट फेमस पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया। आज के इस लेसन में हम भारत की कुछ महान प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। लेट्स बिगन। गिवन ब्लो आर द ब्रीफ बायोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ सम फेमस इंडियंस। नीचे जो डिटेल दी गई है वह कुछ फेमस इंडियंस की, प्रसिद्ध भारतीयों की जीवनी दी गई है। राइट द नेम ऑफ द पर्सन अगेंस्ट ईच डिस्क्रिप्शन टू होम इट रिलेटेड यूजिंग द हेल्प बॉक्स। डिस्क्रिप्शन के सामने ब्लैंक दिया हुआ है, हेल्प बॉक्स का यूज़ करके, डिस्क्रिप्शन को पढ़ करके, हेल्प बॉक्स का यूज़ करके इनके नाम लिखने हैं कि वो किससे रिलेटेड है, जो डिस्क्रिप्शन है वो किससे रिलेटेड है। नंबर वन, ही वॉज एन इंडियन फिलोसोफर हु कंसोलिडेटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वितीय वेदांत। यह भारत के महान दार्शनिक रहे हैं, दार्शनिक थे जिन्होंने अद्वैत के सिद्धांत को समेकित किया। और ही फाउंडेड 4 मठ टू गाइड द हिंदू रिलीजन। इसके अलावा इन्होंने हिंदू धर्म के मार्गदर्शन के लिए 4 मठों की स्थापना की। तो इनका नाम है शंकराचार्य, SHANKARACHARYA, शंकराचार्य। नेक्स्ट वन, ही वॉज वन ऑफ द नवरत्न एंड रिवेन्यू मिनिस्टर इन द कोर्ट ऑफ अकबर। यह 9 रत्नों में से, जो अकबर के 9 रत्न थे, अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से एक थे। और इसके अलावा ये वहाँ के राजस्व मंत्री थे, रिवेन्यू मिनिस्टर थे। फेमस फॉर रिफॉर्म इन लैंड रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो फेमस थे वो भू सुधार के लिए फेमस थे। तो इनका नाम है टोडर मल, TODAR, टोडर मल। ही वॉज द लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू 1951। ये भारत के कानून मंत्री रहे हैं 1947 से लेकर 1951 तक। लीडर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी विच ड्राफ्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये शेड्यूल कास्ट की लीडर रहे हैं। और इसके अलावा जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, जिस कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, उसके ये हेड थे। तो इनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव, BHIM, भीम RAO, AMBEDKAR, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट वन, ही वॉज ए मुस्लिम किंग हु रेन्ड ओवर इंडिया ड्यूरिंग 1542-1545। ही वॉज अ मुस्लिम किंग, यह एक मुस्लिम राजा थे, हु रेंड, जिन्होंने राज्य किया भारत पर 1940 से लेकर 1945 तक। ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम किंग हु पेड स्पेशल अटेंशन टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स। ये पहले ऐसे मुस्लिम शासक थे जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन और भू सुधार पर, मतलब सुधार जो हुए थे उन पर स्पेशल अटेंशन, मतलब बहुत ज़्यादा उन पर ध्यान दिया, सुधारों पर और प्रशासन पर। ग्रांड ट्रंक रोड वॉज बुल्ट इन हिज टाइम। और इसके अलावा जो GT रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड है, जो कि सबसे बड़ी रोड है, वो भी इन्हीं के टाइम में बनाई गई थी। तो इनका नाम है शेर शाह सूरी। नेक्स्ट वन, ही वॉज ए ग्रेट हिंदू संत एंड रिलीजियस लीडर हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन। ही वॉज ए ग्रेट हिंदू संत, ये एक महान हिंदू संत रहे हैं एंड रिलीजियस लीडर, और इसके अलावा एक रिलीजियस लीडर रहे हैं, हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन, जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ही वॉज बोर्न इन कोलकाता ऑन
जनवरी 1863 एंड हिज ओरिजिनल नेम वॉज नरेंद्र नाथ दत्त। यह कोलकाता में 12 जनवरी 1963 को पैदा हुए थे और इनका जो असली नाम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। तो इनका जो नाम है वो है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट वन, ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। इन्होंने अपनी कैपिटल को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था, बदल दिया था। ही इंट्रोड्यूस इक्तादरी सिस्टम, इक्तादरी एक सिस्टम था, डिवीजन ऑफ एम्पायर इंटू इक्ताज विच वर असाइन टू द नोबल्स एंड ऑफिसर्स इन लियूज ऑफ सैलरी। इक्तादरी जो सिस्टम था उसमें क्या होता था, जो राजा होते थे, शासक होते थे, वो अपने जमीन को बड़े बड़े लोगों, अधिकारियों को दे देते थे और उसके बदले में फिर जो वेतन था, सैलरी थी, वो वसूल करते थे उनसे। तो इनका नाम था इल्तुतमस। नेक्स्ट वन, ही वाज द अडॉप्टेड सन ऑफ राजा भगवान दास। ये राजा भगवान दास के दत्तक पुत्र, मतलब गोद लिए हुए पुत्र थे। ही फाउट अगेंस्ट राणा प्रताप इन 1576 एंड वॉन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इन्होंने राणा प्रताप के विरुद्ध युद्ध लड़ा 1976 में, और ये जो युद्ध था हल्दी घाटी का युद्ध था जिसमें ये जीत गए थे। तो इनका नाम है मानसिंह। ही वॉज ए पोइट संत फ्रॉम द वारकरी सेक्ट ऑफ हिंदुज्म फ्रॉम महाराष्ट्र। ये जो थे, दिस इज नंबर 8, ये महाराष्ट्र के हिंदू धर्म के वारकरी संप्रदाय के कवि संत थे। एंड हिज टीचिंग एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग द लाइफ ऑफ ए हाउस होल्डर एंड द थ्रू मैरिज एंड हैविंग फैमिली वन कुड अटेन मोक्ष। इनकी जो शिक्षा थी उन्होंने जोर दिया, किस पर जोर दिया, इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग द लाइफ ऑफ ए हाउस होल्डर, जो जीवन है वो एक गृहस्थ की तरह जीने पर इनकी जो शिक्षाएं थी इन्होंने जोर दिया, इनकी शिक्षाओं ने गृहस्थ जीवन पर जोर दिया। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो मोक्ष है वो शादी करके, विवाह करके और परिवार का पालन करके भी प्राप्त की जा सकती है। तो इनका नाम है नामदेव। नेक्स्ट वन, ही वॉज द थर्ड सन ऑफ शाहजहां। यह शाहजहां के तीसरे पुत्र थे। ही अज्यूम्ड टाइटल आलमगीर, और इनको आलमगीर नाम दिया गया, आलमगीर कहा जाता था इनको। कनक्यूअर ऑफ द वर्ल्ड, और ये विश्व विजेता रहे हैं। ही इज नोन फॉर हिज रियूनियस डेक्कन पॉलिसी। इनको इनकी विनाशकारी डेक्कन पॉलिसी के लिए जाना जाता है। इनका नाम है औरंगजेब। नेक्स्ट वन, ही वॉज द मोस्ट फेमस राजा ऑफ विजयनगर किंगडम। यह विजयनगर किंगडम के एक फेमस राजा थे, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध राजा थे। द लास्ट ग्रेट हिंदू रूलर ऑफ साउथ इंडिया, और इसके अलावा ये साउथ इंडिया के सबसे अंतिम शासक रहे हैं। इनका नाम है कृष्णदेव रॉय, KRISHNA कृष्णा, DEVA देव, ROY रॉय। नेक्स्ट वन, ही वॉज द ग्रेटेस्ट इंडियन रूलर ऑफ हिज टाइम एंड द फाउंडर ऑफ द सिख एम्पायर इन पंजाब। ही वॉज द ग्रेटेस्ट मीन्स महान। यह भारत में एक महान रूलर रहे हैं, अपने समय के एक महान रूलर रहे हैं, एंड फाउंडर ऑफ द सिख एम्पायर इन पंजाब, और इन्होंने पंजाब में सिख एम्पायर की स्थापना की। इनका नाम है रंजीत सिंह। ये था क्लास 8 का लेसन 7, और आज हमने भारत की कुछ
फेमस पर्सनालिटीज़ के बारे में इस लेसन में बात की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।